पाकिस्तान टीम इस वक्त इंग्लैंड टूर पे है, तो आप क्या समझते हैं कि इनकी तैयारी कैसी है? पाकिस्तान टीम बड़े एक मुश्किल हालात में टूर करने गई है इंग्लैंड का कोविड-19 के बाद, क्योंकि अभी तो वो क्वारंटाइन में है। पाकिस्तान में उनकी प्रिपरेशन ऐसी थी कि ऑनलाइन अपनी फिटनेस के ऊपर तो उन्होंने वर्कआउट किया है, लेकिन स्किल्स के ऊपर मैं नहीं समझता कि वो मेहनत इन्होंने की होगी। वो इनको मौका नहीं मिला कि वो नेट्स का वो जो ट्रेनिंग का एक एनवायरनमेंट होती हैं वो क्रिएट नहीं कर पाए। तो इंग्लैंड में डेफिनेटली इनके पास टाइम है, अभी एक मंथ का टाइम है, तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे इनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और ये अपनी प्रिपरेशन जो है, क्योंकि यहाँ पे तो फिज़िकली तौर पे देखा जाए तो दे आर गुड, बट हम लोग अभी देखेंगे कि यूके में इनको वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और अपने आप को कैसा प्रिपेयर करते हैं। आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम कैसे कैप्टन साबित होंगे? बाबर एक यंग प्लेयर है और उसमें हंगर भी है। कैप्टन जो है वो अच्छा कैप्टन साबित होगा क्योंकि वो खुद परफॉर्मर है। जब लीडर परफॉर्म करने वाला हो तो डेफिनेटली टीम भी जो है उसका भी मलाल जो है वो बुलंद होता है। तो बाबर मेरे लिहाज से बड़े अच्छे कप्तान साबित होंगे पाकिस्तान टीम के लिए। हार जीत एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन देखना चाहिए कि मैदान के अंदर वो अपनी टीम को किस तरह सपोर्ट करते हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, क्योंकि यंग है, लेट डाउन तो नहीं करेंगे। लेकिन वही जब मैंने आपको पहले बात की कि हार जीत जो है वो एक पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन उसकी स्किल जो है वो डेफिनेटली आपको नज़र आएंगी इंग्लैंड टूर के ऊपर। इंग्लैंड की कंडीशंस पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कैसी रहेंगी? पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए इंग्लैंड की कंडीशंस जो है वो अभी वहाँ पे वेदर जो है वो बड़ा अच्छा है, साजगार है, आइडियल टू क्रिकेट के लिए बड़ा आइडियल है। वहाँ पे वेदर ड्राई होगा, पिचेस में अभी वो मॉइस्चर नहीं होगा जो इंग्लैंड की पिचेस में हम लोग सुनते थे कि वहाँ पे मॉइस्चर होगा। डेफिनेटली पाकिस्तान को वो सूट भी करेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास पेस अटैक बहुत अच्छा है। शाहीन शाह अफरीदी हैं, उसके बाद मोहम्मद आमिर हैं, मोहम्मद हुसैन हैं, तो शादाब हैं। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान टीम वेरी स्ट्रॉन्ग। डिपेंड करते हैं अब हमारी अपनी बैटिंग में, बाबर आजम उनको लीड करेंगे, सरफराज हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, शुएब मलिक हैं, ये मैच्योर्स हैं, ठीक है, ये काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होंगी पाकिस्तान की। सो विदाउट क्राउड रिस्पॉन्स कैसा रहेगा? देखिए विदाउट क्राउड कोई भी खेल हो, प्लेयर्स को एक चीयर अप के लिए उसका क्राउड का होना बड़ा ज़रूरी होता है, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। जब ग्राउंड बड़ा होता है, स्टेडियम बड़ा होता है, तो उनके जो मदा होते हैं, जो उनके फैंस होते हैं, उनकी कहते हैं कि एक वो चीखो पकार जो है वो डेफिनेटली मिस करेंगे। लेकिन हरीफ हरीफ होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे तो मैचेस विदाउट क्राउड ही खेलने पड़ेंगे, तो मिस तो करेंगे, अपने फैंस को ये भी मिस करेंगे और फैंस भी अपने खिलाड़ियों को, अपने स्टार्स को अपनी आंखों के सामने खेलता हुआ नहीं देखेंगे।